आइए मैडम। कहाँ रह गए थे भैया, मैं इतनी लेट हो रही हूँ। अरे मैडम, आपको तो पता है ना, ठंड बहुत हो रही है और थोड़ा सा लेट तो हो ही जाते हैं। कोई बात नहीं, आगे से लेट नहीं आऊंगा आज ही। ठीक है, जल्दी चलो, मैं लेट हो रही हूँ बहुत। तो मैडम चले? हाँ जल्दी चलो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है। अरे भैया भैया, मुझे भी आगे छोड़ दो, आप आगे ही तो जा रहे हो। आगे तक छोड़ना है? हाँ भैया। कोई बात नहीं, आ जाइए। अरे ऐसे कैसे आप आ जाओगे, कैब मैंने बुक की है। अरे मैडम कोई बात नहीं ना, इनको आगे तक ही तो जाना है, और वैसे भी मैम दो पैसे मैं कमा लूंगा। कोई बात नहीं, आगे तक छोड़ देते हैं इनको। हाँ जी मैडम, दो पैसे ये भी कमा लेगा, और मैं वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, प्लीज मैम जाने दो ना। ठीक है जल्दी आओ, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। हो गई? हाँ हो गई। एक काम कर, जितना माल है ना इस पे सारा निकाल ले। ठीक है ठीक है। वाह भाई, पैसे तो बहुत हैं इसके पास। इसे 4-5 दिन का खर्चा तो हो ही जाएगा अपना आराम से। हाँ एक काम कर सुन। हाँ इसका फोन भी ले ले। यार फोन भी महंगा लग रहा है। 20-30 हजार का तो बिक ही जाएगा ये। हाँ सुन, पुलिस तू एकदम ना नॉर्मल रही हो। हाँ भाई, गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है यहाँ पर? आज सर कुछ नहीं, बस जा ही रहे थे हम। अरे ये लड़की बेहोश को पड़ी है। असल में आपको बताने वाला था, वो मैडम की ना तबीयत खराब है, तो हमने इनको हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे हैं। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, उनके सर में पेन हो रहा था और इस चक्कर में बेहोश हो गई, तो हम हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे। अच्छा चलो, पहले तुम दोनों बाहर निकलो बेटा। अब बताओ तुम लड़की साथ क्या कर रहे हैं? सर मैंने आपको बताया ना, मेरी वाइफ है, हॉस्पिटल लेके जा रहा था। अच्छा हॉस्पिटल लेके जा रहा था। सर ये सही बोल रहा है, वो इसकी वाइफ ही है सर, और हम सही में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसको। तू चुप कर, अगर मैंने उसको जगाया और उसने मुझे बोल दिया कि तुम दोनों ने उसके साथ कुछ जबरदस्ती की है, तो देख रहा तुम दोनों क्या हाल करूंगा मैं। मैम आप ठीक है? चलिए बाहर आइए, जल्दी आइए। बताइए मैडम, इन्होंने क्या किया आपके साथ? सर इसने मुझे बेहोश किया था, और ये ड्राइवर भी इसके साथ मिला हुआ था, ये दोनों पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले थे। अबे तू तो मुझसे झूठ कह रहा था, किसको लेकर जा रहा है? सर गलती होगी, माफ कर दो, हम आगे से कभी नहीं करेंगे सर, प्लीज माफ। अब नहीं बेटा, आप तो थाने चलना पड़ेगा तुझे। सर कुछ ले देखे, ये बात खत्म कर दो ना। ले देखे, तू मुझे रिश्वत दे रहा है, अब तो तू बेटा 20 साल के लिए जाएगा अंदर, समझ रहा है? सर इसकी बात मान जाइए ना प्लीज सर, कुछ कर लीजिए। ले देखे सर, मैं बहुत गरीब हूँ सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए सर। अच्छा मैडम आप एक बार आइए, बताइए मैडम क्या करना है आप? सर देखिए, मैं रोज रोज ये पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाना चाहती, तो आप देख लो उनसे बात करके, मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हूँ। चलो सुनो मैडम, मान गई कॉम्प्रो के लिए, निकालो 80,000 रुपए। 80,000 रुपए? सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। गाड़ी लेके घूम रहा है, लड़कियों को किडनैप कर रहा है, तेरे पास 80,000 रुपए नहीं है? निकाल चुपचाप। सर इतने पैसे तो नहीं है सर हमारे पास, सर प्लीज कुछ कर लीजिए सर। निकालो वरना लेके चलो थाने।
नहीं सर, रुकिए देता हूँ मैं। फोन फोन भी निकालो, चुपचाप निकलो निकलो, जल्दी निकलो। क्या यार प्लान बहुत बढ़िया था ना। अच्छा क्या तुमने इनके प्लान के बारे में बता दिया? ये लोग तुझे लूटने आए थे, हमने इन दोनों को लूट लिया। हेलो, हाँ सुन मेरी बात ध्यान से। मेरे साथ ना एक मैम जा रही है आजकल, उनके पर्स में बहुत सारे पैसे रहते हैं। हाँ हाँ, और उनका फोन भी ना बहुत महंगा है। तो एक काम करियो, मेरे को ना कल रास्ते में मिल जाइयो और मैडम को बेहोश करके सारे पैसे छीन लेंगे हम। हाँ हाँ चल, मैडम का टाइम हो रहा है, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। हाँ चल चल, बाय बाय बाय। चल चल लाभ, मेरे पैसे निकाल। हाँ हाँ दे रहा हूँ, रुक तो जा यार, ये ले और चल अब पार्टी करते हैं, आजा।